आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर एक्चुअली में ऑपरेशन थिएटर में डीएनसी कैसे करते हैं आपका। तो पेशेंट जब डीएनसी वाले दिन हॉस्पिटल में आते हैं तो सबसे पहले उनका कुछ ब्लड सैंपल निकाला जाता है, उनका हीमोग्लोबिन, उनके वायरल मार्कर, ये सारी चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो चेक की जाती हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। और पेशेंट का कंसेंट लिया जाता है, उसके पेपर्स कंप्लीट किए जाते हैं अगर चाहिए होते हैं तो। और इसके बाद पेशेंट को कुछ प्री मेडिकेशन दिया जाता है, यानी कि कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे डीएनसी का प्रोसेस के दौरान या उसके बाद कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा पेशेंट को ना हो। तो ये पेशेंट को प्रिपेयर करने के बाद हम लोग पेशेंट को ओटी में लिटा देते हैं इस पोजिशन में, और फिर हम हमारा पूरा ट्रे प्रिपेयर कर लेते हैं जो जो सामान हमें चाहिए होता है। तो ये हमारा डीएनसी ट्रे है जो हमने प्रिपेयर कर रखा है, जो हमें सामान डीएनसी के लिए चाहिए होते हैं। कुछ बेसिक से इंस्ट्रूमेंट ही हैं जिसके लिए हमें जो ज़रूरत होती है डीएनसी में, ज़्यादा कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये कुछ सक्शन कैनुला है, वॉल्सलम है, क्यूरेट है और कुछ डायलेटर है, और हम इसके अंदर बीटाडीन सोल्यूशन डालेंगे जिससे हम एरिया को क्लीन वगैरह करेंगे पेशेंट को डीएनसी करने से पहले। सो आइए स्टार्ट करते हैं डीएनसी का प्रोसेस और देखते हैं कि डीएनसी आखिर होती कैसे है। डीएनसी करने से पहले हम लोग सबसे पहले अपना हैंड वॉश करते हैं, यानी कि जो स्क्रब एरिया होता है उसके अंदर प्रॉपर हैंड वॉश करते हैं। ऑल्दो ये जो प्रोसीजर होता है इसके अंदर कोई कट नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं ये देखने के लिए कि कोई इन्फेक्शन वगैरह पेशेंट को ना हो किसी भी तरह का, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली कुछ मेडिकेशंस, कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कुछ भी औजार वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग पहले से ही थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस पेशेंट के अंदर ना हो। तो हम लोग पूरे अच्छी तरह से 1 मिनट तक स्क्रब करते हैं अपने हाथ को, जैसे नॉर्मली ओटी से पहले हम लोग स्क्रब करते हैं, और फिर हम लोग डीएनसी के लिए, तब तक हमारा पेशेंट अंदर डीएनसी टेबल पे लेटने के लिए तैयार हम लोग कराते हैं अपने स्टाफ से, और फिर जब ये सब कुछ हो जाता है और फिर हम लोग अपना डीएनसी के लिए प्रोसीड करते हैं अंदर ओटी में। तो हमारा पेशेंट रेडी है डीएनसी के लिए और हम भी रेडी हैं डीएनसी करने के लिए। पेशेंट को हमने शॉर्ट एनेस्थीजिया दिया हुआ है जैसे मैंने आपको दिखाया था, और एनेस्थीजिया में पेशेंट को पेन बहुत कम होता है और ताकि हमारा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले हम पेशेंट का स्पंज से ऐसा पेंट ड्रेप करते हैं बीटाडीन से, ताकि कोई भी इन्फेक्शन या उससे भी रिलेटेड कुछ भी चीज़ें ना हो और चीज़ें बहुत ही आसानी से हमारी हो, और कोई भी इन्फेक्शन का भी चांस अगर हो तो वो भी बिल्कुल ना के बराबर हो। इसके बाद हम लोग वजाना को रिट्रैक्ट करने के बाद हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं वॉल्सलम। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको देख के इतना डरने का नहीं है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग इंसर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ सर्विक्स को इस तरीके से होल्ड करते हैं। सर्विक्स यानी कि बच्चेदाने का मुहाना होता है, उसको हम लोग सिर्फ पकड़ने के लिए वॉल्सलम को यूज़ करते हैं, और वॉल्सलम से पकड़ने के बाद सर्विक्स को ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हेगार्स डायलेटर कहते हैं इसे, इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जो सर्विक्स है यानी कि जो बच्चेदाने का मुहाना है उसको डायलेट करते हैं, यानी कि ओपन करते हैं ताकि हम इंस्ट्रूमेंट को अंदर डाल के इसको इवैक्यूएशन को कर पाएँ। तो ये जो डायलेटर है ये डालने पे इतना कोई पेनफुल नहीं होता है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को हमने ऑलरेडी एनेस्थीजिया दे रखा होता है। तो डायलेट करने के बाद सर्विक्स को हम लोग एक कैनुला का यूज़ करते हैं जिससे कि प्रोडक्ट को सक करते हैं। ये जो कैनुला मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये एक प्लास्टिक का कैनुला होता है, इसे सक्शन कैनुला बोलते हैं। ये सक्शन कैनुला से हम सारे जो बेबी का प्रोडक्ट है, जो मटेरियल है, उसको हम लोग सक करके बाहर निकालते हैं। और अब हम सक्शन मशीन ऑन कर रहे हैं और फिर इसके बाद हम ये प्रोसेस ऑफ सक्शन जो है वो कर रहे हैं। तो ये जो प्लास्टिक कैनुला है इसी के थ्रू हम लोग जो बेबी का प्रोडक्ट है वो सारा मटेरियल जो है वो सक्शन करके बाहर निकालते हैं। सक्शन होता है वो मोस्टली 2 से 3 मिनट या फिर मैक्सिमम 5 मिनट के लिए हम करते हैं, और सक्शन करने के बाद हम लोग एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं ये क्यूरेट। ये जो क्यूरेट होता है ये बच्ची कुचे जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट जो बच्चेदानी है उससे चिपके हुए होते हैं, तो इस क्यूरेट की मदद से हम बच्चे कुचे जो प्रोडक्ट हैं वो रिमूव कर देते हैं। सो आपने देखा हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है इस सक्शन कैनोला से रिमूव करते हैं, और जो कुछ बचे कुचे प्रोडक्ट हैं हम लोग वो क्यूरेट से रिमूव करते हैं। तो डीएनसी का प्रोसीजर है वो मुश्किल से 5 से 7 मिनट या फिर मैक्सिमम 10 मिनट का जो प्रोसीजर है वो होता है। तो
अब आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में हम लोग डीएनसी जो है वो कैसे करते हैं, और इसमें इतना कोई डरने वाली बात नहीं होती है क्योंकि पेशेंट को हम लोग एनेस्थीजिया देते हैं, उन्हें पेन नहीं होता है, और ये प्रोसीजर बहुत ही आसानी से हम कम टाइम में कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट का डीएनसी कैसे करते हैं। आपने देखा कि डीएनसी हार्डली 4 to 5 मिनट्स का प्रोसीजर है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन इसमें बहुत ही सेफली हमें करना होता है क्योंकि इसके भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।